एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान संगठन आज ट्रैक्टरों के सहारे एक बार फिर अपनी ताकत दिखाएंगे। किसानों ने आज डब्ल्यूटीओ क्विट डे मनाने का ऐलान किया है। हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुतला दहन भी किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली देहरादून हाईवे पर ट्रैक्टर श्रृंखला बनाकर किसान सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर किसानों का कब्जा होगा। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि लड़ाई आर पार की होगी। इसे लेकर बीकेयू ने पिछले कई दिनों से ताकत झोंक रखी है। किसानों के इस आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने आज सोमवार को बनने वाली ट्रैक्टर श्रृंखला को लेकर हर जिले में कई प्वाइंट बनाए हैं। मुजफ्फरनगर में 8, मेरठ में 4, गाजियाबाद में भी 4 प्वाइंट बनाए गए हैं। किसानों से कह दिया गया है कि गांव में एक भी ट्रैक्टर नहीं रहना चाहिए, सभी ट्रैक्टर हाईवे पर नजर आने चाहिए। किसान ट्रैक्टर श्रृंखला बनाकर सरकार से अपनी नाराजगी जताएंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि किसान गुस्से में है, कभी भी बड़े आंदोलन का ऐलान हो सकता है। यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 3 जिलों की कमान संभालेंगे। सुबह 11 बजे मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे की एक लेन पर कब्जा करने के बाद टिकैत मेरठ के लिए रवाना हो जाएंगे और मेरठ के कई प्वाइंट्स पर रुककर अपनी आवाज बुलंद करेंगे, जिसके बाद वो फिर गाजियाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। एमएसपी स्वामीनाथन की रिपोर्ट, किसानों से किए गए सरकार के वादे सहित कई मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा एक के बाद एक आंदोलन कर रहा है। ग्रामीण भारत बंद जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर भारतीय किसान यूनियन अपनी ताकत का एहसास करा चुकी है और आज ट्रैक्टर श्रृंखला बनाकर सरकार को फिर चेताएगी।